आ गया मेरा शेर रुंदा का ना आ गया आ गया बहुत बढ़िया जान बाज के नहीं बहुत बहुत शुक्र है परमात्मा तेरा हाथ सारे ला हाथ का तेरे बस ना रोना नहीं काम बनानी हैगा शेर बोलता नहीं मम्मी देख मम्मी देख नाम रो रोना नहीं ना बना तू रोना नहीं कोई कुछ भी बहादुर बनता बहादुर है ये पापा ने बनानी हैगा शेर पत्ता नहीं रोना नहीं बस रुंदा का आ गया बनानी हैगा शेर पत्ता जी सत श्रीकाल मेरा नाम सुमित शर्मा है मैं पिंड बालसिंडा रोपड़ पंजाब का निवासी हाँ तो मैं यूक्रेन MBBS करने वास्ते December 8, 2021 नूं गया सीगा ते उस तो बाद साड़ी स्टडी चल रही सी ऑफलाइन चल रही सी उस तो बाद पता लगे कि बहुत ही सिचुएशन बन रही है तो काफ़ी ज़्यादा भग दौड़ बच की मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पई सानू सारे बच्चे इंडियन सीगे होस्टल विच ते एकदम ही सानू मैसेज सवेरे मॉर्निंग असीं सो रहे सी एकदम ही अलार्म की आवाज़ आती तो सानू बंकर से शिफ्ट होना पैंदा सारे स्टोर्स वगैरह बंद सके सारा स्टॉक खत्म सेगा बिकॉज यूक्रेनियन सिटीजन सारे स्टॉक इकट्ठा कर रहे थे ना पानी क्योंकि उत्थे पानी की यह डिफिकल्टी है कि असं टैप वाटर यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली तो सानू मतलब खरीदना पैंदा पानी तो सारा पानी असी जिन्ना कर सकते असी किया बट फिर भी काफ़ी डिफिकल्टी आई खाण पीन च तो उस तो बाद सानू एडवाइसरी आती इंडियन एम्बेसी वालों की यू कैन क्रॉस बॉर्डर थ्रू योर ओन रिस्क कि आप जा सकते हैं बॉर्डर तो आप सीनियर्स नाल अपने हेल्प करके प्राइवेट बसिस का अरेंजमेंट की थी, ते सारे स्टूडेंट्स नू बस थ्रू अपना चौक बॉर्डर लेके गए तो वो साड़ी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही सानू 4-5 दिन ना पानी सी ना खाण पीन वास्ते कुछ जो असी लेके जा सकते सी मैक्सिमम असी इकट्ठा किया तो असी कर सकते सी असी किया तो साड़ी जर्नी अराउंड 28 आवर्स की सी सानू सिटिंग 28 आवर्स करनी पई बिकॉज 1500 किलोमीटर इज़ अ वेरी बिग जर्नी फॉर अस बट असी सारे साथ रहे साढ़े नाल दे सीनियर्स ने साड़ी हेल्प की तो उस तो बाद साडा सीगा कि असी ट्रेन थ्रू जावांगे वो भी जर्नी काफ़ी लंबी 6 आवर की जर्नी सी बट इंडियन MBC ने साडे वास्ते अरेंजमेंट की हुई सी रिफ्रैशमेंट सी साडे वास्ते टिकट्स वगैरह का सारा रिस्पोंसिबिलिटी इंडियन MBC की सी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्पफुल की सानू बहुत प्राउड मूवमेंट सीगा साडे वास्ते कि इंडियन गवर्नमेंट साडे लई इन्ना कुछ कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स वास्ते तो उस तो बाद साड़ी सी ट्रेन बुदापेस्ट तक बुदापेस्ट तो साड़ी सी फ्लाइट टू दिल्ली दिल्ली भी जाके दिल्ली पहुँचने तो बाद भी साड़ा काफ़ी वेलकम किया साड़े रेलवे मिनिस्टर ने सानू काफ़ी सपोर्ट की सानू काफ़ी स्ट्रोंग किया अंदरों कि इंडियन प्राउड टू बी इंडियन वी आर दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट हेल्प अस अलॉट सो आफ्टर दैट उस तो बाद असी जो दिल्ली एयरपोर्ट गए तो साडा वेलकम किया काफ़ी अच्छी तरह सानू रिफ्रैशमेंट दी बिकॉज कुछ खादा पीता नहीं सी 4 दिन बिकॉज बिल्कुल भुखे से ना पानी से साडे कोल सारा कुछ अरेंजमेंट सीगा उत्थे पानी का रिफ्रैशमेंट का तो उस तो बाद दिल्ली तो चंडीगढ़ वास्ते असी खुद दो बंदे सी चंडीगढ़ का सी मुंडा उन्होंने वो असी प्राइवेट टैक्सी करके थ्रू दिल्ली तो चंडीगढ़ आए तो उस तो बाद मैं अपने पिंड बालसिंडे घर आया अपने घरदियां नाल ते मैं लाइव TV का बहुत धन्यवाद करता हाँ कि इस दे थ्रू काफ़ी लोगों नू पता लगा कि इदा बच्चे उत्थे फसे हुए ने ते काफ़ी लोगों नू उत्थे मैनू फोन काफ़ी आंदे आए थ्रू दिस सोशल मीडिया दिस हेल्प्स अ लॉट फॉर स्टूडेंट्स एंड दिस मे ऑल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट हू आर ऑलरेडी स्टक इन द यूक्रेन ऑल्सो सो काफ़ी हेल्पफुल रहा धन्यवाद कर रही हैं उन्हां दा मोदी सरकार दा जिन्हें साढ़े बच्चों साढ़े कोल पहुँचाया इन्हां बिना असी कुछ भी नहीं सी मेरी तो बस जान निकल गई थी जो पता लग गया भी उत्थे अटैक हो गया बच्चे भुखे प्यासे बैठे हैं बहुत बुरा हाल से बच्चों का मैं तो सरकार को कहती हाँ भी जिहड़े बच्चे होर रह गए उन्हां भी तुसी कढ़ो उत्थों ते उन्हां दे माँ बाप कोल पहुँचाओ बस मैं तो यही अरदास करती हाँ भी सारे बच्चे अपने घर च आ जाए परमात्मा उन्हां नू भी लंबी उम्र बख्शे
ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਲਾਈਵ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਥਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਮੰਗਵਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਬੱਚਾ ਸਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੰਝਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੈਪ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੁਲਚੀ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਨ ਖਾਤਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर, एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म, 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।